हम सब लोग एक स्पेस टाइम कंटिन्यूम में रहते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटित होती है वो किसी स्थान पर और किसी समय पर होती है। लेकिन क्या समय धीमा भी हो सकता है? आइंस्टाइन के दिए हुए रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक समय गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीमा भी पड़ सकता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समय एक पानी की चादर है जो नदी की तरह बह रही है। इस चादर के बीच में एक प्लेनेट है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये पानी की चादर घुमावदार हो जाएगी और इस पानी को प्लेनेट की दूसरी तरफ पहुंचने में सामान्य से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि घुमाव की वजह से पानी को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ये पानी की चादर ही समय है, यानी समय धीमा हो जाएगा। वैज्ञानिक इसे प्रयोगों द्वारा भी साबित कर चुके हैं। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। इसकी वजह से ही सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियाँ पृथ्वी की तुलना में तेज चलती हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जिस वजह से ये घड़ियाँ बार बार पृथ्वी की घड़ियों से मिलानी पड़ती हैं। अगर हम समय को ज़्यादा धीमे होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत है, जो कि हमें केवल ब्लैक होल के पास मिलेगा, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड के किसी भी प्लैनेट से बहुत ज़्यादा है, जो कि समय को बहुत ज़्यादा धीमा कर देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल को हम समय यात्रा करने में भी उपयोग ला सकते हैं। अगर भविष्य में हम कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं जो कि ब्लैक होल तक पहुंच सके और इसके चक्कर लगा सके, तो जब तक हम उस स्पेसशिप में एक साल बिताएंगे तब तक पृथ्वी पर 10 साल निकल चुके होंगे, और जब हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो हम भविष्य में 9 साल आगे पहुंच जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।